अजमेर एसीपी ने नसीराबाद रोड स्थित राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन माकुपुरा के डिपो मैनेजर को 7,000 की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजमेर एसीबी आरोपी से पड़ताल में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर एसपी के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि अजमेर क्षेत्र की शराब की दुकान संचालित करने वाले परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब की दुकान के माल के बिल काटने एवं चालान सेव करने के एवज में डिपो मैनेजर दीपक खत्री द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। एसीबी ने इस मामले का सत्यापन कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और रिश्वत की रकम के साथ परिवादी को डिपो भेजा गया, जहां आरोपी दीपक खत्री को 7,000 की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया गया। आरोपी द्वारा प्रति माह 3,000 की रिश्वत के हिसाब से 3 महीने के 9,000 की मांग की गई। इस मामले में परिवादी ने अपने आप को गोपनीय रखने की बात कही है, जिसके चलते एसीबी द्वारा मामले की पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जानी है। एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि आरोपी दीपक खत्री कितनी दुकानों से बंदी बांध कर रिश्वत ले रहा था और कहां कहां से ये रकम ली जा रही थी, इसे लेकर जांच की जानी है। इस मामले में गहनता से पड़ताल के बाद अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। आरोपी को कल एसीबी न्यायालय में पेश किया जाना है। आज कार्रवाई जो नसीराबाद में राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन का डिपो है, यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जिसमें यहाँ के जो डिपो मैनेजर हैं दीपक खत्री, इनको 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस टीम में जो हमारी जो कार्रवाई रही, इसमें परिवादी द्वारा इसमें उसके जो शराब के ठेके हैं उसका निर्बाध संचालन करने के लिए और उसके जो ऑनलाइन उसके जो चालान है उसको सेव करने की एवज में मंथली के रूप में इनसे पैसा मांगा जा रहा था, जो 3 माह की मंथली इनसे मांगी जा रही थी परिवादी से। इस पर हमने इसको सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद आज हमारी कार्रवाई की गई। आगे क्या रहेगा? आगे इसमें अनुसंधान किया जाएगा कि ये किस तरीके से और बाकी लोगों से भी ये मंथली लेते थे या और कौन लोग इसमें शामिल है, उस पर अनुसंधान किया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवादी अभी गोपनीय है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते। परिवादी ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए, इसलिए हम आपसे शेयर नहीं कर सकते।